पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहा अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र कहने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ के हिंदुओं और ईसाइयों के लिए महामारी के संकट में दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं किया गया। पाकिस्तान में भी इस वक्त कोरोना वायरस के हजारों केस सामने आ चुके हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव किया जा रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। दुनिया भर के धार्मिक मसलों पर राय देने वाले अमेरिकी आयोग ने पाकिस्तान से आ रही उन खबरों की निंदा की है जहाँ हिंदुओं और ईसाइयों को खाना नहीं देने की बात सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी कमीशन की ओर से सोमवार को एक बयान जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान की निंदा की गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस का संकट फैलता जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में जिन लोगों को भोजन की समस्या आ रही है वो काफी निंदनीय है। सरकार का कर्तव्य हर किसी को भोजन देना है, ऐसे में उस वक्त किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम पाकिस्तानी सरकार से अपील करते हैं कि हर धर्म के लोगों को भोजन मुहैया करवाया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के कराची से ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कुछ एनजीओ और सरकारी अधिकारी हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों को भोजन राशन नहीं दे रहे हैं। कराची में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से राशन भोजन दिया जा रहा है, लेकिन जब वो एक हिंदू और ईसाई बहुल इलाके में गए तो उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। सिर्फ यही तर्क दिया गया कि भोजन सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भले ही वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय भी उसी राष्ट्र का एक हिस्सा है जिसकी रोजी रोटी का इंतजाम भी पाकिस्तान सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।